तो हे नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल के एक और नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जो है आप अपने कंप्यूटर में जो है हॉटस्पॉट क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपके पास जो है वाईफाई का अडेप्टर है जिसमें कि जो है ऑटो बिल्ड जो है हॉटस्पॉट बनने का ऑप्शन नहीं आता है, तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ जो है उस बेल आइकन को भी दबा दीजिए जो सब्सक्राइब बटन के बगल में आ रहा था, कि ऐसे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जो है मिलती रहे। तो चलिए फिर दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए जो है आपको अपने जो है कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन कर लेना है। तो जैसे यहाँ पर CMD खोला हमने, इसके बाद जो है आपको कंट्रोल शिफ्ट और एंटर करना है। यहाँ कुछ थोड़ा सा एक मिनट, CMD ये हमने करा सेलेक्ट, इसके बाद कंट्रोल शिफ्ट और एंटर कर लेना है, जिससे कि ये रन एस एडमिनिस्ट्रेटर जो है ये खुल जाएगा। आप जो है राइट क्लिक करके भी जो है रन एस एडमिनिस्ट्रेटर खोल सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे जो है मैं कमांड जो लिख रहा हूँ आपको सेम कमांड जो है आपको लिखना है। जैसे यहाँ पे लिखना है NETSHWLAN सेट, इसके बाद लिखना है होस्टेड नेटवर्क, इसके बाद जो है होस्टेड नेटवर्क को जो है हमें अलाउ करना है। तो होस्ट मोड इज इक्वल टू अलाउ, इसके बाद जो है आपको अपने SSID देनी है। SSID मतलब दोस्तों, जो भी आप अपने हॉटस्पॉट का नाम देना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे जो है अपने SSID आपको यहाँ पे देना है। तो जैसे मैं यहाँ दिखा देता हूँ, जैसे टैग अपने चैनल का नाम दे देता हूँ मैं हिंदी। और दोस्तों, जो है अपने SSID के बीच में जो है आपको कोई गैप नहीं देना है, मतलब स्पेस नहीं देना है। इसके बाद जो है आपको यहाँ पे स्पेस लगाना है और लिखना है की इज इक्वल टू, आप जो भी अपने हॉटस्पॉट का जो है पासवर्ड देना चाहते हैं आपको यहाँ पे लिखना है, जो भी आप पासवर्ड देना। तो जैसे मैं 128 डाल देता हूँ सिंपल आपको समझाने के लिए। इसके बाद जो है आपको करना है एंटर। तो यहाँ पे थोड़ा वेट करना है और यहाँ पे देखिए द होस्टेड नेटवर्क मोड हैज़ टू बीन अलाउ। इसके बाद जो है आपको अपने जो है जो भी होस्टेड नेटवर्क आपने क्रिएट करा आप उसको जो है आपको स्टार्ट करना है। तो आपको जो है फिर से वही ऐसा थोड़ा बहुत लिखना है NETSHWLAN स्पेस, यहाँ पर लिखना है स्टार्ट होस्टेड नेटवर्क, इसके बाद आपको करना है एंटर और यहाँ पर देखिए द होस्टेड नेटवर्क हैज़ स्टार्टेड। तो चलिए दोस्तों, इसके बाद मैं चलता हूँ आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिखाता हूँ कि कैसे जो है हम अपने हॉटस्पॉट जो है हमने क्रिएट करा वो यहाँ पर जो हमारे मोबाइल में दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए मैं दिखा देता हूँ आपको जो है ये हॉटस्पॉट बना है कि नहीं बना है। तो मैंने अपने जो है मोबाइल में ये देख लेता हूँ हॉटस्पॉट अपने जो है वाईफाई को चालू करके। तो यहाँ पे देखिए टेक्नो हिंदी नाम से जो है हमारा एक हॉटस्पॉट यहाँ पे क्रिएट हो गया है और ये जो है कनेक्ट हो रहा है हमारे हॉटस्पॉट के साथ। तो दोस्तों, ये देखिए हमारा जो है ये हॉटस्पॉट कनेक्ट हो गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर कि हमारे टेक्नो हिंदी नाम से जो हॉटस्पॉट हमने क्रिएट करा था वो यहाँ पे जो है कनेक्ट हो गया है। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिए और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो है साथ वाले बेल आइकन को जरूर से दबा दीजिए, ताकि ऐसे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन जो है आपको हमारे यूट्यूब के चैनल के द्वारा मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जुड़ रही है हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद। Close till I get up. Time is barely on our side.